हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अली और आप देख रहे हैं अली की टेक यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, अगर आप इंस्टाग्राम पर रील्स बनाना पसंद करते हैं तो अभी आप जो स्क्रीन पर वीडियो देख रहे थे, तो यार इस तरह की वीडियो आपने इंस्टाग्राम रील्स में ज़रूर देखी होगी, क्योंकि दोस्तों पिछले कुछ टाइम से इस तरह की वीडियो बिल्कुल वायरल और बिल्कुल ट्रेंड में चल रही है। तो अगर आप भी इस तरह की एडिटिंग करना चाहते हैं अपने मोबाइल से, तो यार आज का ये वीडियो आपको बस थोड़ा सा ध्यान से देखना होगा। तो दोस्तों, अगर आपको ऐसी वीडियो और भी देखना पसंद है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि हम आपके लिए रोज़ाना ऐसी वीडियो बनाते रहते हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो बिना आपका समय लिए। अगर इस तरह की वीडियो बनाने के लिए आपको किसी भी अदर एप्लीकेशन को डाउनलोड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके लिए सबसे पहले आपको अपने इंस्टाग्राम को ओपन करना है और दोस्तों आपको यहाँ पर जो रील्स का आइकन देखने को मिल रहा है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। अब आप जिस भी सॉन्ग पर दोस्तों इस इफेक्ट को यूज़ करना चाहते हो, यानी कि जो आइज वाला इफेक्ट है उसे लगाना चाहते हो, सबसे पहले आपको उस सॉन्ग को सिलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पर नीचे दोस्तों जो भी आपको लाइंस चलती दिखाई दे रही होंगी, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको यूज़ ऑडियो पे क्लिक करना है। ऊपर जो इफेक्ट का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर आपको सर्च बार में आना है और दोस्तों यहाँ पर आपको सर्च करना है LED। जैसे दोस्तों आप LED सर्च करोगे, आपको यहाँ पर जो सेकंड लास्ट ऑप्शन देखने को मिल रहा है दूसरा, यानी कि इसको सिलेक्ट करना है और यहाँ पर इसे सेव कर लेना है। सेव करने के बाद आपको आना है यहाँ पर बैक, और दोस्तों आप सिंपली से आप यहाँ पर जो गोल चक्कर देखने को मिल रहा है यहाँ पर क्लिक करके आप अपनी वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। तो कुछ इस तरह से आप अपनी भी वीडियो बना सकते हो, आपकी भी आइज़ में यह ब्लू इफेक्ट लग जाएगा। और दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और ऐसी और वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलते हैं किसी और नए ट्रेंड के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप तहे दिल से धन्यवाद।